तो क्या कांग्रेस उसकी भी तैयारी कर रही है कि समर्थन लेना कम रहेगी नहीं, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसके बावजूद भी हम चाहेंगे, स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भी हम चाहेंगे कि जो लोग निर्दलीय जीत के आते हैं या अन्य दलों के आते हैं बीजेपी छोड़ करके, और वो अगर सहयोग करना चाहेंगे सरकार का तो उनका सहयोग भी लेना चाहिए। डेमोक्रेसी कहती है कि सबको मिला के चलो जी। बल्कि विपक्ष को भी जो विपक्ष की भूमिका है वो अदा करे, उसका सम्मान करो, ये लोकतंत्र कहता है। अभी तो परिणाम पहले पूरे आने दीजिए, उसके बाद में बैठ के बात करेंगे। लेकिन रुझान जिस तरह के नंबर दिखा रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये जो आंकड़े कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की आपको आशंका है तो इसका आशंका है, सॉरी आपको उम्मीद है, उम्मीद है तो इसके लिए आप किस 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 को श्रेय देंगे इस बात का, किस वजह से लोगों ने राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को इस बार मौका दिया? देखिए, ये तो मैं पहले दिल्ली में भी कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को उनके अपने खुद के राज्य में, अमित शाह जी को उनके खुद के राज्य में जिस प्रकार कॉर्नर किया, उनको पूरा देश देख रहा था उस वक्त में, उसके बाद में वो उठ खड़े ही नहीं हुए, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के परिणाम क्यों आ रही है, इसलिए आ रहे हैं कि इतने कॉर्नर उनको कर दिया गया कि कोई इश्यू का जवाब नहीं दे पाए, वो बिना इश्यू के इलेक्शन लड़ा उन लोगों ने, जबकि वो सत्ता में थे वहां पर। नॉन इश्यू को इश्यू बनाए, भावात्मक मुद्दे, कभी मणि संग्रह ये आ रहे, कभी प्लेन पानी उतर रहा है, कभी मैं गुजरात की बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, पूरी कौम की बेइज्जती हो रही है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर की भाषा होती है क्या? इस भाषा को लेकर के बोले थे वो और टेक्निकली जीत गए। ना वो उनकी बीजेपी जीत थी और ना कांग्रेस हार थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा देश इस बात को मानता है। उसके बाद में वो कभी उठ खड़े हुए ही नहीं है। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे, कर्नाटक में देख लिया, सरकार तो उनकी नहीं बन पाई थी, अब आप देखेंगे कि आज जो देश में जो माहौल है सब स्वच्छता बर्बाद हो रही है। अब कल RBI के गवर्नर का इस्तीफा होने की मामूली घटना नहीं है। रघुराम राजन ने खुद ने कहा कि एक कोई क्लर्क नहीं कोई जाके इस्तीफा दे दे जब तक कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल नहीं बनाया गया हो कि मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब RBI का गवर्नर इस्तीफा देवे पूरा पीरियड होने के पहले, ये घटना कोई 25-30 साल बाद हुई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे, किसानों के उठाए थे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही वो उठाए थे, करप्शन के उठाए थे, राफेल को लेकर के, अमित शाह जी के बेटे का उठाया था, महंगाई का उठाया था, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो रही है तेल की या बढ़ती जा रही है, अब चुनाव आए तो इन्होंने कम कर दी। तो ये तमाम लोग जिस रूप में शासन कर रहे हैं उससे पूरा देश दुखी है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हिम्मत कर रहा है, कोई हिम्मत बाद में करेगा। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो माहौल बना है ये संकेत है आगे पार्लियामेंट चुनाव का भी। आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो इनका ओरा बन गया देश के अंदर, अब लोग सब अच्छे दिन आए नहीं है, ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिली वो नहीं मिली है, ना ब्लैक मनी का 1 रुपया भी नहीं आया, 1 रुपया भी ब्लैक मनी का स्विस बैंकों से नहीं आया सब। तो और ये क्या जो हालात बनाए सबके सामने है सर, आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीत रहे हैं, उनका कहना है कि अगर गहलोत साहब सीएम बनते हैं तो हम कांग्रेस के साथ हो चलेंगे, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? ये अभी कोई कॉमेंट करने की बात नहीं है, चुनाव के सब परिणाम आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि अगर सरकार बहुमत इस पर बहुमत बनेगी निश्चित तौर से, तब भी मैं समझता हूँ कि उसके बाद में भी तमाम लोग साथ लेके लोकतंत्र चलाए जाते, लोकतंत्र में सरकार चली जाती है। मोदी जी ने गलती करी, मोदी जी को 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत मिला था, हालांकि उनको गवर्नर नहीं करना चाहिए था, खाली 100 में से 31 वोट उनको मिले, 31%, 69 वोट उनके खिलाफ गए थे। अगर उनमें समझदारी लोग ऐसे समझदार सलाहकार होते
अजीत डोवाल जैसे लोग नहीं होते उनके साथ में, तो मैं समझता हूँ कि आज वो जो है 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत, परंतु 31% वोटों में सरकार बनी, वो चाहते तो विपक्ष को भी साथ लेते, उनकी आलोचनाओं को बर्दाश्त करते जो जनहित में होती, देश हित में होती, उनकी सुझाव मानते, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव 70 साल का है। मोदी जी भूल गए खाली कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे, वो ये पता नहीं कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये उनकी भावना होनी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया अहम घमंड में जैसे वो जीत के आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, मुझे लगता है रुद्र प्रताप दुबे जी की बहुत बहुत दिनों से कहना चाह रहे होंगे।